जय माता दी। दोस्तों आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों 26 सितंबर से शारदीय नवरात्र की शुरुआत हो चुकी है और इस नवरात्र में माँ दुर्गा के 9 रूपों की विधि विधान से पूजा अर्चना की जाती है। इस बार के जो नवरात्र हैं वो पूरे 9 दिन के पड़ने वाले हैं। 26 सितंबर से लेकर 4 अक्टूबर तक नवरात्रि की धूम रहेगी। इस दौरान कई सारे अच्छे योग भी बनेंगे, ग्रहों की स्थितियों में भी कई तरह के परिवर्तन होंगे, नक्षत्र भी कई तरह के जो प्रभाव देने वाले हैं वो रहेंगे और इन सभी के आधार पर, इन सभी के द्वारा इस नवरात्रि के दौरान 4 राशियां ऐसी होंगी जिन पर माँ दुर्गा की विशेष कृपा होने वाली है। वैसे तो सभी व्यक्तियों पर माँ दुर्गा की विशेष कृपा होती है। जो भक्त माता को प्रसन्न करता है उस पर माँ दुर्गा कृपा करती हैं, लेकिन जो ग्रहों की स्थिति है, योगों की स्थिति है, उसके अनुसार 4 राशियां ऐसी होंगी जिनके ऊपर माँ दुर्गा विशेष रूप से मेहरबान होने वाली हैं और ये 9 दिन उनके लिए वरदान के समान साबित होने वाले हैं। तो आज की इस वीडियो में हम उन्हीं 9 राशि, उन 4 राशियों के बारे में जानेंगे, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लें और साथ में छोटा सा रिक्वेस्ट है, हमारे दूसरे चैनल आपकी एस्ट्रोलॉजर, उसको भी सब्सक्राइब कर लें। उसका लिंक आपको वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो जिन 4 राशियों की हम बात कर रहे हैं उनमें जो सबसे पहली राशि है वो है मिथुन राशि। मिथुन राशि के जातकों के लिए ये जो नवरात्र के 9 दिन हैं ये बेहद शुभ होने वाले हैं। अब देखिए, नवरात्र के शुरुआत के दिन से ही शुक्र जो है वो कन्या राशि में आए और त्रिग्रह योग का निर्माण किया। 3 ग्रह एक साथ विराजमान हो गए। साथ में इस दौरान कई बड़े बड़े योग बनेंगे, जैसे गजकेसरी योग भी बनेगा, सर्वार सिद्धि योग भी बनेगा, रवि योग भी बनेगा। इन योगों का प्रभाव आपके जीवन पर, मिथुन राशि के जीवन पर कई तरह से विशेष होने वाला है। इस दौरान नवरात्रि, इन 9 दिनों के दौरान आपके भाग्य उदय होने के चांसेस सबसे ज्यादा बने हुए हैं। साथ ही धन लाभ तो आपको होगा ही होगा, भाग्य उदय होगा। पारिवारिक जीवन की मैं बात करूं तो पारिवारिक जीवन आपका बहुत ही सुखमय रहेगा, खूब मान सम्मान मिलेगा और साथ में पद प्रतिष्ठा में भी वृद्धि होगी। आप निवेश करेंगे उस निवेश से भी आपको लाभ मिलेगा। आपके परिवार के सदस्य आपके लिए बहुत अधिक सहायक होंगे, आपको जीवन के सही रास्ते पर आपका मार्गदर्शन करेंगे और अपने अनुभव के आधार पर आप अच्छे निर्णय भी ले पाएंगे। इस दौरान प्रोफेशनल तौर पर आप अपनी विशेषज्ञता को बढ़ाने के लिए ज्यादा ध्यान भी देंगे, प्रोफेशनल लाइफ में अपना बेस्ट देने की पूरी कोशिश करेंगे। आप एक स्टेबल लाइफ जी पाएंगे इस 9 दिनों में। बड़ा अच्छा आपके लिए फलदायी जीवन, मैं कह सकती हूँ फलदायी जीवन रहने वाला है। आपको स्ट्रगल नहीं करना पड़ेगा अपने कामकाज के जरिए, जो आप काम कर रहे हैं ना उसके दौरान आपको वो रिजल्ट मिलेगा कि आपको ज्यादा स्ट्रगल नहीं करना पड़ेगा। बहुत अधिक जिम्मेदार होंगे, ईमानदार होंगे, बहुत सारे ऐसे अवसर मिलेंगे जहां आप अपने जीवन को बेहतरीन तरीके से स्टेबल कर सकते हैं। तो इस हर जो आपको जो अवसर मिलता है उसका उपयोग करें, एक ताकि आप एक अच्छे उज्जवल जीवन को जी सकें, ये आपके लिए बहुत उत्तम है। अब दूसरी राशि की हम बात करते हैं तो दूसरी जो राशि है वो है कन्या राशि। कन्या राशि के लोगों के लिए विशेष रूप से माँ दुर्गा की कृपा उन पर बनने वाली है। इस राशि के लोगों के लिए आर्थिक सफलता मिलने के जबरदस्त योग हैं। नौकरी और व्यापार के लिए बहुत ही शुभ संकेत हैं। दाम्पत्य जीवन सुखमय रहेगा, मित्रों का सहयोग मिलेगा और साथ ही आपके द्वारा की गई सराहना लोगों को बहुत पसंद भी आने वाली है। अब देखिए, आप ही की राशि में जो 3 ग्रह हैं वो एक साथ हैं, त्रिग्रह योग आपकी राशि में ही बना है, तो बहुत शानदार ये 9 दिन होंगे। माँ दुर्गा की असीम कृपा रहेगी, आध्यात्मिक विकास भी हो पाएगा आपका। इस सप्ताह कुछ नए दोस्त भी बनाएंगे 9 दिनों में, इन दिनों में कुछ नए दोस्त बनाएंगे जो आपका मार्गदर्शन कर पाएंगे और साथ ही फाइनेंशियल कंडीशन अपनी आप नियंत्रित रखेंगे। इस समय आप सेविंग्स पर भी ज्यादा ध्यान देंगे और अपने परिवार के लिए काफी महत्वपूर्ण निर्णय भी आप ले पाएंगे। अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए आपने बहुत अधिक मेहनत की है, सतर्क भी रहे हैं, कड़ी मेहनत भी की है और इसकी जरूरत भी थी, तो उसका जो फल है वो आपको मिलेगा, जिससे आपको सुकून की प्राप्ति होगी। जब एक बार व्यक्ति को खुद पर विश्वास होता है तो वो सक्षम होता है हर एक कार्य को करने के लिए। जीवन में चमत्कार करवाने के लिए आपको आत्मविश्वास की आवश्यकता होती है, वही आत्मविश्वास आपके अंदर है और माँ दुर्गा की ये कृपा है कि आपके हर एक कार्य बनेंगे, आप किसी नए प्रोजेक्ट को भी पूरा कर पाएंगे।
तो आपके लिए ये 9 दिन ये नवरात्रि बहुत ही उत्तम रहने वाला है। अब तीसरी राशि की बात करेंगे जो कि है तुला राशि। तुला राशि के जातकों के लिए आर्थिक पक्ष बहुत मजबूत रहेगा, कार्यों में सफलता प्राप्त करने के लिए ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी और लेन देन के मामले के लिए भी ये 9 दिन बहुत ही शुभ रहेंगे। निवेश करने के लिए भी अच्छा समय है। नौकरी और व्यापार में भी तरक्की के योग बन रहे हैं। मान सम्मान, पद प्रतिष्ठा, इन सभी में आपके लिए वृद्धि होती हुई दिखाई दे रही है। आपकी राशि में केतु भी विराजमान है और शानदार कह सकते हैं इस समय को आपके लिए। सामाजिक गतिविधियों में भी आप काफी भाग लेंगे और इस दौरान आपके जो वरिष्ठ अधिकारी हैं वो आपसे प्रभावित होंगे। आपने जो कड़ी मेहनत की है उसके जरिए आपको एक महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट भी प्रदान कर सकते हैं। आप अपने करियर को हमेशा के लिए एक अच्छे रूप में बदलना चाहेंगे। एक चीज का ध्यान रखें, बस किसी तरह की बहसबाजी करने से आपको बचना है। बाकी आपकी फाइनेंशियल कंडीशन बहुत अच्छी रहेगी और कुछ विरासत से भी लाभ की प्राप्ति होने का योग है, यानी पैतृक संपत्ति से लाभ, विरासत से लाभ भी होने का योग है। इस दौरान आप अपने पार्टनर के साथ विवाह की संभावनाओं के बारे में सोचेंगे। ये समय ऐसा होगा जब सर्वोत्तम तरीके से आप अपने काम पर ध्यान देंगे, सर्वोत्तम तरीके से आप अपनी फैमिली पर भी ध्यान देंगे और उन परिवर्तनों को देखेंगे जो आपके जीवन में मायने रखते हैं या जो आपके जीवन में आवश्यक हैं, उन परिवर्तनों को आप देखेंगे। तो ये जो समय है ये आपके लिए भी बहुत ही उत्तम रहेगा। अब चौथी और अंतिम राशि की बात करेंगे जो कि है वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि के लोगों के लिए आत्मविश्वास में वृद्धि होने वाली है। आपके कार्य क्षेत्र में आपके द्वारा किए गए कार्यों की सराहना होगी, धन लाभ भी होगा और आय के स्रोतों में भी वृद्धि होने का प्रबल संकेत है। कोई भी स्वास्थ्य संबंधी परेशानी चल रही थी तो स्वास्थ्य संबंधी परेशानियों से छुटकारा मिलेगा। कार्यों में भी सफलता हासिल करेंगे और वैवाहिक जीवन भी आपका सुखमय बनता हुआ दिखाई दे रहा है। वृश्चिक राशि के लोगों के लिए इस दौरान 9 दिनों में बहुत सक्रियता रहेगी, यानी अपने हर एक काम में आप काफी सक्रिय रहेंगे। कई अवसर भी आएंगे जो आपके आत्मविश्वास को बढ़ाएंगे। पूरी ताकत के साथ आप काम करेंगे, पूरी ताकत के साथ आप एक्टिविटी करेंगे, भागीदारी देंगे अपनी और परिवार के लोगों का ध्यान भी रखेंगे। ये सप्ताह आपको उच्च पद के लिए पदोन्नत करने का संकेत भी दे रहा है और जो सपना आपने देखा है वो पूरा होगा। जो कार्य आपको सौंपा जा रहा है उसे भी आप जल्द से जल्द पूरा करेंगे और इस समय आपका जो पार्टनर है वो आपको काफी सपोर्ट करने वाला होगा। अपने रिलेशंस को मजबूत बनाकर चलें, चीजों को बेहतर तरीके से व्यवस्थित करने की कोशिश करें ताकि एक स्थिर जीवन को जी सकें। कुल मिलाकर ये जो 9 दिन हैं आपके वर्तमान जीवन के स्तर को बढ़ाएंगे। बहुत उत्तम ये समय आपके लिए रहने वाला है। माँ दुर्गा की असीम कृपा आपके ऊपर होने वाली है। तो दोस्तों, और अधिक ऐसी जानकारियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें, हमारी इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें ताकि ज्यादा लोगों तक ये पहुंच सके।